दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे पास कितने भी प्लांट और प्लांट लगाने के लिए कितने भी प्लांटर हों तो फिर भी कमी बनी रहती है, क्योंकि गार्डनिंग ऐसा शौक है कि जिसमें दिन पर दिन जो है हमारे पास जो है प्लांट की संख्या बढ़ती जाती है। तो उनको लगाने के लिए पॉट्स, उसके अलावा जो प्लांट नहीं है तो उसको लाने की चेष्टा, ये चीज़ें जो होती है हमारे गार्डन में जो है हमें नया सामान खरीदना पड़ता ही है। तो मैं आज आपसे बात करूंगी कि मेरे को कौन कौन से प्लांट जो है मैं खरीद के लाई हूँ, कौन से प्लांट मुझे गिफ्ट मिले हैं, गिफ्ट में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट मिले हुए हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने जुगाड़ से लगा रख लाई हूँ मैं। तो मैं वो सब दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में नहीं था, वो सब नई चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बरसात का सीजन चल रहा है तो इस समय जो है मैंने अपने कुछ प्लांटर प्लांट बना रखे हैं, रेडी कर रखे हैं बॉन्साई बनाने के लिए। तो उनके लिए मैंने 4 पॉट लिए हैं, इस तरह के अच्छे लगे मुझे काफ़ी, 50 रुपये पर पॉट के हिसाब से ये बॉन्साई प्लांट लगाने के लिए। इसमें मैं पीपल, बरगद और नीम की जो मैंने बॉन्साई रेडी कर रखी है उनको लगाना है। तो ये इस तरीके सीमेंट के लिए रखे हैं। सेकंड नंबर पर लिया है ये गोल्डन साइप्रस का प्लांट। मेरे पास जो प्लांट था पहले से गोल्डन साइप्रस का, बहुत सालों से था, तो एक बार उसको गर्मियों में रिपोर्ट करी कि मैंने, मुझे उम्मीद थी पूरी चल जाएगा, कि मुझे घना नहीं लगा तो मैंने उसकी कटिंग कर दी तो वो मर गया। कई बार किसी कारण से कई बार प्लांट जो होते ख़त्म हो जाते हैं, हमारे से भी ख़त्म होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। तो एक गोल्डन साइप्रस का प्लांट लिया 100 रुपीज़ का, ये जो है इस तरह के नर्सरी पॉट में लगा हुआ है। मेरे पास ग्रीन फाइलोडेंड्रम बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसी तरीके से ये भी मेरे पास जो है गोल्डन कलर का भी ये था, लेमन कलर का पहले से, तो वो जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जब एक पहले ठंड पड़ी, ठंड के जब गर्मी पड़ी तो मर गया वो, क्योंकि इन प्लांट को बहुत शेड चाहिए होता है। इसका भी नया प्लांट लिया, ये भी 100 रुपीज़ का नर्सरी पॉट में लगा हुआ प्लांट आया है। दोस्तों, ये बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं ऑरेंज कलर के, इसे ग्लेस्कोनिया कहते हैं। और ये प्लांट जो है एक बार लाने के बाद अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं दिया तो कभी नहीं मरता है, इसके नीचे बल्ब होते हैं। तो इस प्लांट को मैं एक परमानेंट प्लांट के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अभी इसे इसमें देखिए, कुछ समय पहले इसमें फ्लावरिंग होकर ख़त्म हुई है। तो ये जो है ग्लेस्कोनिया का प्लांट जो है ये भी 100 रुपीज़ का ले रखा है। दोस्तों, सावनी के प्लांट को लेने का अभी समय होता है, तो ये जो वाइट दिखा रही हूँ मैं आपको सावनी, ये मैंने ली नहीं, ये मैंने कटिंग से तैयार की है। मैंने ली है ये रेड कलर की सावनी, इसके फूल अभी खिले नहीं हैं, कलियां बनी हुई हैं। दोस्तों, रेड कलर की सावनी जो है थोड़ा रेयर होती है, कम मिल पाती है। आपको पिंक कलर और वाइट कलर और इसके अलावा पर्पल कलर तो आसानी से मिल जाते हैं, पर जो है रेड कलर की हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही है, कई जगह मिल सकती है। तो मुझे नर्सरी में दिखी तो मैंने तत्काल इसको ले आई, ये प्लांट भी मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। जो और कलर की सावनी होती है वो सस्ती मिलती हैं, जबकि जो रेड कलर की सावनी होती है वो थोड़ा महंगा मिलती है। दोस्तों, कैलिथिया के प्लांट बहुत सुंदर होते हैं, तो ये कैलिथिया का जो प्लांट है ये सस्ता मिला मुझे। देखिए, इसमें एक कलर दूसरी साइड पर्पल होता है, इस साइड जो है इस तरह कलर होते हैं। तो कैलिथिया का ये प्लांट जो है मात्र 50 रुपये का मिला, तो इसको भी लेके आई। एक लाई मैं अपने गार्डन के लिए नई स्प्रे बोतल, मेरी पुरानी स्प्रे बोतल कुछ ख़राब हो गई थी। ये स्प्रे बोतल मेरे को 350 की मिली है, और देखिए इसमें इस तरह का ये एक नोज है। जब हमारे पास जब प्लांट, हम कई बार इसमें स्प्रे करने के बाद जो गैस आ जाती थी इसको रिलीज करने के लिए बहुत, ये खाली इसका बटन दबा देते हैं तो गैस रिलीज हो जाती है, तो इसको खोलना नहीं पड़ता बार बार। तो ये स्प्रे बोतल इस तरह की अच्छी मजबूत स्प्रे बोतल है। दोस्तों, मिर्च वगैरह के पौधे जो हैं हमको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो इनकी जो है गड्डियाँ मिल रही थी, 20 रुपये की गड्डी मिली, इसमें 8-10 करीब प्लांट मिले, तो ये भी लेके आई। बरसात में तेज़ी से बढ़ने वाला दोस्तों वाटर कैबेज जो है, इसको मेरे पास पहले था इतना था कि मुझे बार बार उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता था। तो एक बार जो है गर्मी से गल गया तो फिर मेरे को नया लाना पड़ा, महंगा नहीं आता, ये 10 रुपये का उन्होंने मुझे प्लांट दे दिया था। देखिए कितने वाटर कैबेज हो गए हैं, साथ ही जो है एक ये वाटर लिली का भी प्लांट इसमें साथ में आ गया, देखिए कितना अच्छी तरह से बढ़ रहा है। दोस्तों, वैसे तो कनेर की बहुत सारी वैरायटी मेरे पास हैं, पर कुछ नया दिखता है तो लाना लाजमी बनता है। तो ये येलो कलर कनेर है, छोटी छोटी से इसमें प्लांट में से फ्लावर खिल जाएंगे, तो ये कनेर का लाई। नेक्स्ट लिए हैं दोस्तों, इस तरह के ग्रो बैग ले रखे हैं मैंने, ये ऑनलाइन मंगाए हैं। तो ये देखिए, ये 300 या 350 के पड़े हैं, क्योंकि मैंने जो है 550 रुपये के ग्रो बैग मंगा रखे हैं। ये ग्रो बैग दोस्तों बहुत अच्छे चल जाते हैं, मेरे पास जो है पिछले करीब 2 साल से भी ज़्यादा समय से इन ग्रो बैग का मैं यूज कर रही हूँ, और बहुत बढ़िया रहते हैं, हल्के रहते हैं, और फिर इनमें देखिए इस तरह के ड्रेनेज बने रहते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं होता है, बस इनको जहाँ चाहो वैसे आराम से इनमें प्लांट लगा के रख सकते हैं। तो ये इस तरह के कलरफुल ग्रो बैग अच्छे लगते हैं, ये देखिए तरह तरह के कलर। नेस्ट लिया है ये देखिए, ये फर्टिलाइजर लिया है, इसमें बर्मी कंपोस्ट है, ये जो है 50 रुपये का इस तरह का बैग आता है हमारे यहाँ, तो 5 किलो का बैग होता है ये, तो इस तरह का बैग ले रखा है इस, क्योंकि अब प्लांट में जो है
कुछ समय के बाद सर्दियों के प्लांट लगाने का समय आने लग जाएगा, तो हमें जो है फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो ये लिया है। अब दिखाती हूँ मुझे गिफ्ट में कौन कौन से बहुत सुंदर प्लांट मिले हैं। देखिए मुझे क्या मिला है, इतना सुंदर फ्लैपजैक का प्लांट ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दे रखा है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये मिला है। एक नेक्स्ट देखिए इस तरीके के सैकुलेंट मिले हैं, ये भी काफ़ी सुंदर है। ये देखिए कहीं जब हम किसी को देते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है हमको भी, तो सीडम ग्रेस की ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी तो ये वाली वैरायटी उन्होंने मुझे दी है। दोस्तों ये देखिए चाइनीज एवरग्रीन, ये बहुत सुंदर प्लांट इंडोर में रखने के लिए, इसको मैं जो है कहीं गई थी तो वहाँ से मांग के लाई, तो एक साइड से पब्स उन्होंने मुझे दिया था, तो देखिए कितना सुंदर था, मेरी अब लग भी गया है ये प्लांट। तो ये इस तरीके से कई चीज़ें जो है हमारे पास नहीं होती, बहुत सारे प्लांट हैं फिर भी कुछ ना कुछ कमी दिखती आती, तो कहीं प्लांट दिख जाता है तो मैं उनसे मांग भी लेती हूँ, तो इस तरीके से ये उन्होंने मुझे दे दिया था। तो एक प्लांट ये है वंडरिंग जू, ज़्यादातर आपने ये वाला देखा होगा और बहुत सुंदर लगता है, पर इसके अलावा ये वाली वेराइटी कम जगह देखने को मिलती है, तो ये वैरायटी मुझे कहीं जरा सा लगा हुआ मिल गया है। मैं इसके इतने सारे प्लांट तैयार कर दूंगी कुछ दिन में, तो ये एक टुकड़ा मैं इनके दो टुकड़े करीब लाई हूँ देखिए, और ये चल गए हैं। बरसात के मौसम में ऐसे कोई प्लांट लेके आते हैं तो बहुत आसानी से चल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे काम की चीज़ें हमारे लिए, हम गार्डनर के लिए तो बेहद ज़रूरी चीज़ है ये मैं लाई हूँ सूखे फूल, जो हमारे बहुत ही काम के हैं। मेरे गार्डन में जो आजीनिया के इतने फूल खिलते हैं वो कोई मैंने खरीदे नहीं है, वो इसी तरीके से, क्योंकि खरीदे फूलों की मुझे कोई गारंटी नहीं लगती है उनमें। ये जो है देखिए येलो कलर का फूल है, ये सूखा हुआ फूल वहाँ प्लांट में लगा हुआ था तो वो तोड़ के लाई हूँ, और ये देखिए डार्क पिंक कलर का है ये, तो इनका मुझे जो है मैंने सुखा रखा है और सीड बनाने के लिए रख रखा है, क्योंकि बारिश का मौसम था थोड़े थोड़े गीले हो गए थे ये, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरह सुखाया और मुझे जो है उम्मीद है कि प्लांट मेरे पास लग भी जाएंगे। ये कुछ मेरे पास वाइट कलर के भी आ गए हैं, तो मैंने तरह तरह के जो है वहाँ प्लांट में लगे हुए सूखे फूलों को जरूर पिंच कर देना चाहिए कहीं से मिल जाए। दोस्तों ये देखिए ये है कॉस्मोस की एक अलग वेराइटी है, जो कॉस्मोस हमारे पास होता है उससे अलग है ये वेराइटी, और इसके अलावा जो है श्यामा तुलसी के कुछ बीज थे वो भी ले आई थी, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है इसमें जीनिया के बीज की है, क्योंकि जीनिया की ऐसी वैरायटी दोस्तों हर जगह देखने को नहीं मिल पाती है। हम लोगों के पास जो होती हैं वो मैंने अक्सर देसी वैरायटी एक कलर में आती हैं, उसके अलावा जो है ये कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हमारे पास तरह तरह के सीड का कलेक्शन होता है और उसी से ढेरों प्लांट बनते हैं, फिर प्लांट से हम कटिंग से नए नए प्लांट बनाते जाते हैं। ये देखिए जीनिया के जो इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, तो ये जो है ये काफ़ी सुंदर वैरायटी, तो ये इसी तरीके से सूखे फूल लाकर उन्हीं में स्प्रिंकल करके उसके सीड से नए प्लांट हम जो है रेडी होते हैं। जो मैं सीड लाई उनको ये सीड बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, सूखे फूलों को स्प्रिंकल कर दीजिए तीसरे दिन ही इसमें जो है स्प्राउट होने लग जाता है। ये दिन देखिए अभी तीसरा दिन पूरा नहीं हुआ है, शाम को होगा, तो ये देखिए स्प्राउट होने लग गए हैं। मैं लाई मैंने ये सीड जो है स्प्रिंकल कर दी, क्योंकि इस समय जीनिया आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौसम है, इस समय जो है नए नए प्लांट भी ला सकते हैं, प्लांट गिफ्ट भी कर सकते हैं, और प्लांट जिसके आपने देख रखे हैं आपके पास वो वाला प्लांट है उनको दूसरा प्लांट देकर प्लांट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा कहीं कोई सीड वगैरह सूखे हुए फूल मिलते हैं तो उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।